हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्वाइप द फ्यूचर। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर वीडियो इज अल ख्वारिज्मी द ग्रेट मैथमेटिशियन। ही वाज अ ग्रेट फिजिस्ट एज वेल एज एस्ट्रोनॉमर। अ लॉट ऑफ हिज एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ साइंस। सो द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग एंड स्प्लेंडिड। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएं फौरन से पहले करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में है बेल आइकॉन, उस पर करें क्लिक ताकि आने वाली हमारी हर अपडेट न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इब्न अल ख्वारिज्मी बेसिकली ही वॉज बॉर्न इन 780 AD एंड डाइड ऑन 850 राउंड अबाउट। His full name was Abu al-Musa, Abu Abdullah Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Basically, Khwarizmi was the name of place where he was born. Later on, he moved to Baghdad as it was the capital of, center of learning. It was the hub of learning. Baghdad was the center of, capital city of Iraq. सो ये जो था इराक मूव किया, बगदाद मूव किया लर्निंग के लिए। अच्छा, मजे की बात ये है कि जिस टाइम पीरियड पर ये आया वो एज ऑफ ट्रांसलेशन का था। एज ऑफ ट्रांसलेशन, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये वो टाइम पीरियड है जब डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऊपर जो किताबें थी उनको ट्रांसलेट करने का अमल जो था वो स्टार्ट था। हुआ उस टाइम पे क्या कि जो किताबें दूसरी जुबानों पर थी उनको ट्रांसलेट किया जा रहा था, किस लैंग्वेज के अंदर, अरेबिक लैंग्वेज के अंदर, ताकि जो अरब के लोग हैं, मुस्लिम्स जो हैं, वो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज है उसको एक्सप्लोर कर सकें। सो ही वाज पर्सनली इन्वॉल्व्ड इन द एज ऑफ ट्रांसलेशन। एज हमने कहा कि ही वाज एक्सपर्ट इन मल्टीपल फील्ड्स, सो हिज अप्रोच वाज आल्सो अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन ऑफ अरब। ही आल्सो हैव हैड अ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। ही वाज एक्सपर्ट इन द मैथमेटिक्स, astronomy as well as geography. If we talk about mathematics, he was expert in mathematics. The European, जो European है वो उसको give respect, मतलब उसको बहुत respect देते हैं, क्योंकि उन्हें कि इसने basics of जो mathematics थी वो provide की। जो हम आज zero का बहुत इस्तेमाल करते हैं कि कहाँ उसका use करना है, इसने हमें जीरो का इस्तेमाल बताया कि हम जीरो का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसने फंडामेंटल इंपॉर्टेंस दी जीरो को। इसके अलावा इसने बहुत सी किताबें मैथमेटिक्स के ऊपर लिखी। अच्छा, अरिथमेटिक्स जो है वो इसने फाउंड की। अच्छा, अब इसकी अगर हम कुछ किताबों की मैथमेटिक्स के ऊपर बात करें, वो इसकी किताब है, उसका नाम है हिसाब अल जबर वल मुकाबला। बेसिकली दिस किताब इज बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, रिस्टोरेशन एंड रिडक्शन। अलजबरा जो आज के दौर में हम इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, लर्न करते हैं, वो भी ड्राइव किया गया। कहाँ से किया गया? इसी किताब में से किया गया। अच्छा, इसने जो मैट्रिकल जो हमें सॉल्यूशंस हैं वो प्रोवाइड किए। अच्छा, इसके बाद इसकी एक और किताब मैथमेटिक्स के ऊपर बहुत फाइनेस्ट किताब है, किताब अल जमा वल तफरीक बिल हिसाब अल हिंदी। नाउ इफ यू टॉक अबाउट के ये जो, जैसे मैंने कहा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है इन लोगों की, तो ही वाज अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर। अच्छा, एस्ट्रोनॉमर किस तरह ग्रेट है कि जो मैमून रशीद जो उस वक्त का एक हुक्मरान था, इन्हें उसके कोर्ट को ज्वाइन किया एज अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर। इससे बढ़ के आगे बात क्या होती है? अच्छा, ही वाज अ ग्रेट जियोग्राफर भी। इसका जियोग्राफी की फील्ड के अंदर बहुत सी कंट्रीब्यूशन है। इसने जो सैंड डायल या सैंड क्लॉक जो टाइम को मेजर करने के लिए अटैचिंग होता, तो वो आपने देखा होगा ऐसे रेत जो है वो नीचे गिर रही होती है, उसके अकॉर्डिंग ये टाइम को मेजर करते हैं। इन्हें 830 एडी के अंदर सैंड क्लॉक जो थी उसको इन्वेंट किया। अच्छा, इसने किया सर्कमफेरेंस एंड द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ के ऊपर इसने बहुत सा वर्क किया। इसने जो नॉन वर्ल्ड है इसके मैप को ड्रॉ किया। ही वाज लिटरली, ये मेरा एक फेवरेट साइंटिस्ट है क्योंकि इसने बहुत सा वर्क किया इन द फील्ड ऑफ साइंस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट्स बुक। इसने किताबें भी बहुत सी लिखी, जिनमें से जो चंद इसकी किताबें हैं उनका मैं जिक्र करने जा रहा हूं आपके आगे। किताब सूरत अल अर्ज, अर्ज से आपको महसूस हो रहा है
जमीन के ऊपर, जियोग्राफी के ऊपर इसकी ये किताब थी, बहुत फाइनेस्ट बुक है, इसको मैंने रिव्यू भी किया है। इसके अलावा किताब अल तखरीक, तारीख, तारीख के ऊपर इसका किताब है, किताब अल रुखमात, ये इसकी एक बहुत फाइनेस्ट बुक जो हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा इसकी जो किताबें जो मैथमेटिक्स के ऊपर थी मैंने बताई थी, किताब अल जमा वल तफरीक, बिल हिसाब अल हिंदी, इसके अलावा किताब अल जबर वल मुकाबला। अच्छा, इसके अलावा इसकी एक और किताब थी जो ज्यूश कैलेंडर, यहूदियों के कैलेंडर के ऊपर है, किताब इस्तिदराज अल यहूद। सो ही वाज अ ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट जो इसकी, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी कंट्रीब्यूशन थी वो हमें मैथमेटिक्स की फील्ड के अंदर देखने को मिलती है। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो करें लाइक, कमेंट एंड शेयर। वही बात, अगर वाकई में ही आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के लाइक और कमेंट के साथ साथ, शेयर के साथ साथ हमारे चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब, और साथ पर है बेल आइकॉन, उस पर करें क्लिक ताकि आने वाली हमारी हर न्यू अपडेट, ऐसे ही अच्छी वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक न्यू अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।